नमस्कार, मैं सुधीर, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस चैनल पर। लोकसभा चुनाव 2019 सबसे बड़ा ओपिनियन पोल कह सकते हैं इसको। इसमें हम सट्टा बाजार के नतीजे लेकर आए हैं आपके लिए। सट्टा बाजार यानी कि जिसमें आपके द्वारा पैसे लगाए जाते हैं, जो भी लोग लगाते हैं। और बात करें हम भारत का जो सबसे बड़ा सट्टा बाजार है, फलोदी सट्टा बाजार, जिसमें क्रिकेट मैच से लेकर चुनाव तक के सट्टे लगाए जाते हैं। अगले लोकसभा चुनाव में भी यहां से जो नतीजे निकले थे वो एकदम चौंकाने वाले से थे। ठीक है, अभी देखिए हम टोटल 543 सीटों के सटीक ओपिनियन पोल के बारे में बात करेंगे। जो नतीजे मैं बताने वाला हूँ ये सट्टा बाजार के हिसाब से सारे नतीजे हैं। कोई भी न्यूज चैनल कहीं से कुछ नहीं मतलब है इसका। जो भी नतीजे हैं, सट्टा बाजार में क्या भाव चल रहा है, कितने सीटें जीतने का अनुमान है बीजेपी को, कितने सीटें कांग्रेस है, यहाँ पे जो मेन सट्टा बाजार में चल रहा है बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी को लेके ज़्यादा लोग लगा रहे हैं। यहाँ पे टोटल हमारे पास 543 सीटों का अनुमान है, 543 सीटों का नज़रिया है। हर स्टेट की बात करें, अलग अलग राज्यों के बारे में कहाँ पर कितनी सीटें जीतने के अनुमान है बीजेपी, कहाँ पर कितनी सीटें कांग्रेस, उसके लिए अलग से वीडियो आएगा। अभी देखिए इसमें हम पूरा कंप्लीट जानेंगे 543 सीटों में किसको कितनी सीटों मिलने का अनुमान है। अभी हम चाहेंगे आप नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलो देखते हैं कितने सीटें मिलने का अनुमान है बीजेपी को, सबसे सटीक सबसे ताजे आंकड़े। ठीक, अब देखिए ये सट्टा बाजार के जो नतीजे निकल कह रहे हैं, फलौदी सट्टा बाजार के, यहाँ पे बात कर रहे हैं बीजेपी प्लस अन्य बीजेपी के जितने भी कह सकते हैं साथ रहने वाली पार्टियां, यानी कि एनडीए में बात करें कितने सीटें मिलने का अनुमान है। यहां पे सट्टा बाजार के आंकड़ों के हिसाब से 240 से 250, यानी कि बहुमत से दूर 240 से 250 सीट मिल रही है यहाँ पे एनडीए को। टोटल बात करें, कांग्रेस को बात करें 165 से 175 सीटें मिलने का अनुमान है, और यहाँ पे अन्य की बात करें 140 से 150 सीटें अदर को मिल रही हैं। यहाँ पे बात करें सट्टा बाजार के हिसाब से किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है। और बात करें बीजेपी को जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है सट्टा बाजार के हिसाब से, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 73 सीटें जीती थी अगली बार 2014 के लोकसभा में, इस बार यहां पे सबसे बड़ा नुकसान यहां पे बीजेपी को होने वाला है। अलग अलग नतीजों को हम अलग अलग वीडियो में जानेंगे, लेकिन यहां पे सट्टा बाजार के भाव के हिसाब से किसी को यहां पे पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है, यानी कि एनडीए 240 से 250 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस की बात करें 165 से 175, और अन्य अदर दलों की बात करें यहां पे 140 से 150। अगर जो यहाँ पे कांग्रेस को सरकार बनानी है तो अन्य का साथ लेना पड़ेगा, इस हिसाब से एनडीए को सरकार बनानी है तो यहाँ पे अन्य को साथ लेना पड़ेगा। तो ये था आपका सट्टा बाजार के नतीजों को, कितने सीटें जीतने का अनुमान है एनडीए को, कितने जीते सीटें यूपीए जीत रही है। टोटल अलग अलग राज्यों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और जल्द ही आपको वीडियो मिलता रहेगा। देखते रहो सुधीर गुप्ता, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।